कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ मुद्रा और आप देख रहे हो मुद्रा लॉजी का एक नया व्लॉग जो कि है गुजरात की सीरीज़। मतलब मैं और मेरी मम्मी अभी जा रहे हैं गुजरात स्पेशली ठंड लेने के लिए, क्योंकि हम हैं मुंबईकर और मुंबई में ज़्यादा ठंड नहीं होती, आप लोग को तो पता ही होगा। तो भाई मुंबई वाले लोग जो होते हैं ना ठंड के लिए बहुत पागल होते हैं, तो ये एक सिंपल सा जैकेट पहन करके मैं जा रही हूँ बस में, क्योंकि मेरा गांव है अमरेली, वहाँ पे कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है एक्सेप्ट बस, तो बस से जाना पड़ता है। अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो बहुत एक दो बार एक्सचेंज करना पड़ता है, उससे बेटर है डायरेक्टली टू माय प्लेस। तो मेरे नीचे ही, घर के नीचे ही बस आती है, वॉल्वो आती है स्लीपर कोच, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो अगर आपको मेरा बस का सफ़र देखना है तो प्लीज़ ब्लॉग देखते रहिएगा। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं 8 डेज़ के लिए, ज़्यादा नहीं, बट उसके लिए मैंने कितना सामान लिया है मैं आप लोग, इतना सारा सामान हम लोग लिए हैं। एक तो पूरा वॉर्म क्लोथ्स का है और एक में कपड़े हैं, एक में चप्पल जूते हैं क्योंकि मैं अपना वर्कआउट नहीं छोड़ने वाली उधर भी, और एक में नाश्ता है, एक में गिव अवेज है, एक में केक है, तो बहुत सी चीज़ें हम लोग ने ना। अगर आप लोग ने मेरा क्वारंटीन वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा मेरे इस चैनल पर, तो उसमें भी मेरा इतना सामान हुआ था 10 दिन का, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा घर ही लेकर के जा रही हूँ मैं। तो बस अभी 2 o'clock हुए हैं, 2:30 का हम लोग का बस है और अभी हम लोग हमारा जो लगेज है वो कार में लोड करेंगे और जाएंगे। और इतनी गर्मी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि विंटर तो है ही नहीं, मतलब एक तनके का भी विंटर नहीं है मुंबई में, तरफ फोन आ रहे तो अभी बैठ गए एकदम लाल लाल हो गए और सामान जैसे तैसे करके हम लोगों ने एडजस्ट किया क्योंकि बहुत सारा लगेज था, लोड करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी और अभी हाईवे पे इतना ट्रैफिक है, मुझे लग रहा है, वैसे हम लोग का टाइमिंग है 7 o'clock का पहुंचने का, मुझे नहीं लग रहा है 7 o'clock तक पहुंचा पाएंगे, अभी 3 o'clock हो गए हैं बस का, मतलब डिपार्ट हुए और अराइविंग टाइमिंग है हम लोग का वहाँ का 7 o'clock, अभी देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और वैसे ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है बस में हॉल्ट में जो रुकता है, उसके बाद बहुत मज़ा आता है मुझे वहाँ पे चटर पटर करने का। वैसे मेरे फ्रेंड ने समोसा भेजा है घर पे बना करके, मैं आपको दिखा रही हूँ। हॉल्ट हुआ है, मैं और मेरी मम्मी उतरे हैं बस से और अभी यहाँ पे कुछ चाय कॉफ़ी तो नहीं पी सकते, कुछ कोल्ड ड्रिंक लेना ज़्यादा सेफ है, आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम, मेरी मम्मी को आइसक्रीम बहुत पसंद है ऐसे हॉल्ट में आइसक्रीम। तो यहाँ पे देखिए सारे बस रुकी हुई है पीछे, हाँ अमूल का अगर रहेगा तो देखेंगे सो एंजॉय कर रहे हैं हम लोग एकदम खा पी के मस्त। सो मम्मी ने लिया है आइसक्रीम, मुझे तो नहीं खाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, बट प्यार से खा लिया है। यहाँ पे इतनी गर्मी है, मुझे लग रहा था जैसे मुंबई से बाहर निकलेंगे थोड़ा तो ठंड होगा, बट इतनी गर्मी लग रही है रहा नहीं जा रहा। अभी मैं वेट कर रही हूँ कि 8 o'clock या 9 o'clock हो और थोड़ा सा ठंड आए। तो तुम किस में निकाल रहे हो पाल सर? हाँ अभी बजे 6:30 और आफ्टर हॉल्ट हम लोग बैठे हैं बस में, अभी थोड़ा हवा चल रहा है, आप देख सकते हो मेरे पर्दे भी उड़ रहे हैं थोड़े थोड़े, और चार्जिंग का स्विच भी मतलब वो लोग ने चालू किया है तो अभी मैंने मोबाइल चार्जिंग के लिए चार्जर लगा दिया है, मोबाइल को चार्ज करेंगे। तो बस में इधर टीवी भी है, अभी ये लग रहा है 2-3 साल पुरानी बस है क्योंकि अभी तो मोबाइल में यूट्यूब में इंसान बिजी है कि टीवी तो कोई नहीं देखेगा, पहले हम लोग देखते थे ना टीवी, वेट करते थे कि कौन सा मूवी आज लगने वाला है बस में, तो वो मूवी हम लोग देखते नहीं थे बाद में थिएटर में, अगर इधर देख लिया तो बस हो गया काम, पर अभी तो मोबाइल लैपटॉप में ही हम लोग सब बिजी है देखने के लिए। तो अगर आप लोग ने वॉल्वो की ट्रैवलिंग नहीं की है स्लीपर कोच में तो एक बार ज़रूर करना, खाते पीते जाना बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे नाइट हॉल्ट हुआ है, मतलब डिनर का हॉल्ट हुआ है और आप देख सकते हो होटल काफ़ी अच्छी है और हम लोग अपना घर का खाना लेके आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ जो बहुत ही टेस्टी लगता है, मैंने सुबह से मेहनत करके सब कुछ बनाया है और घर का खाना ऐसे ट्रिप में रात को थोड़ी सी हल्की हल्की ठंड में, मैं आपको बहुत मज़ा आ गया खाना खाने में। अभी हम लोग की बस में ड्राइवर जी बैठ गए तो हमको फटाफट से बैठना पड़ेगा, नहीं तो मैंने सोचा था चाय की चुस्की ज़रूर मारूँ बट मुझे नहीं लग रहा है पॉसिबल है,
तो अभी जाएंगे हम लोग, और अभी रात के बजे 9:30 और थोड़ी थोड़ी ठंड है, मज़े आ रही है ट्रैवलिंग की। रुकिए ज़रा, मेरी मम्मी चढ़ रही है तो गिर जाए मैं, और ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं विंडो सीट के बाहर, ये ट्रैवलिंग की मज़े होती है। और द वर्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे कोच में अंदर लाइट नहीं है, बाहर जो कॉरिडोर रहता है उसमें लाइट है, तो इसके लिए मेरा वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा डार्क आ रहा है। आप लोग को पता है मैं एक नेचर लवर, विंडो के पास आजू बाजू में सब देखना ग्रीनरी बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है। प्लीज़ अभी हम लोग यहाँ पे उतरे हैं सुबह के 7:30 और यहाँ पे मैंने सारा सामान लगा दिया है पीछे, और मेरी मम्मी जो है वो दूसरी ऑटो में है क्योंकि बहुत सारा सामान था उनके पास भी, कुछ 3-4 लगेज से जो लोड करने थे, इट वॉज़ वेरी टफ। और यहाँ पे मैंने पीछे भी जो यहाँ की ऑटोज रहती है ना, हमारे मुंबई जैसी नहीं होती, यहाँ पे पीछे भी थोड़ा ओपन स्पेस है तो यहाँ पे मैंने सामान लगा दिया है। एंड द जर्नी इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम बस स्टॉप टू माय प्लेस, क्योंकि एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है और प्लेजेंट है, मुंबई से तो काफ़ी ठंडा है, यहाँ पे 16-17 डिग्री है अभी, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ की जो गलियाँ है अमरेली की, उसके साथ अभी मैं गुजर रही हूँ, मैं बहुत ही पुराना है इसलिए ये सब हो गया है, और मैं 4 साल बाद यहाँ पे आ रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है हमारे मंगू बेन, बोलो हाय। हाय, बाय बाय बाय, कैसे हो? मोबाइल में मोबाइल है, बात करो। हूँ करूँ, बोलो। मैंने क्या बोलता हूँ ना, वो बोल रहे हैं मैं क्या बोलूँ, मैंने मुझे नहीं आता है बात करने। तो ये है जो हमारे साथ बहुत साल, 15-20 साल से है काम कर रहे हैं, और अभी जैसे ही हम आए तो बहुत अच्छे से हम लोग का वेलकमिंग किया। ब्रेकफास्ट गुजराती, क्या लाए हो नाश्ते में? वाह वाह वाह, उतारे मारो वीडियो। क्या लाए हो? चाय लाए मंगू बेन, गाठिया संभारो, गाठिया संभारो, संभारो मतलब किस चीज का है? गाजर का है ये, नहीं गाजर। और ये चाय, ये कप का भी है, कप एंड सॉसर, 15 साल से मेरी मम्मी ने संभाल के रखा, पर उसकी जो शाइन है वो अभी भी सेम, यादें जुड़ी हुई है इसके साथ। मिठाई जो ठंड में खाते हैं, अड़दिया, उड़द की दाल और घी से बना हुआ, और उसमें अलग अलग मसाले डालते हैं, और ये मेरी शॉप के पेड़े जो प्योर शुगर फ्री है। अभी मैं तेजस्वी के घर आई हूँ और उसको पता नहीं है कि मैं आज आ गई हूँ, उसके लिए सरप्राइज है, देखते हैं। मैंने उसको बोला था कि मैं कल आने वाली हूँ तो मैं आ जाई, उसकी वजह से मैंने कोई स्टेटस भी नहीं डाला था व्हाट्सएप पे। तो अभी मैं अंदर जाके एंटर हो रही हूँ, देखते उसका रिएक्शन क्या है मुझे देख के। કેમ છો આંટી? મેં આજે કીધું નતું કે હું આવવાની છું, હું જઈશ ઉપર, તું કેમ બોલે? કેમ છો? પ્રણામ, કેમ છે? મારા રિએક્શન, મેં આવી હું ઘર પે ઉસકો મિલને કે બાદ, ઓર મુજે તો હસી છૂટી જા રહી થી, રુક દે રહી થી, ક્યુંકી યે હુઆ ના કી सरप्राइज मैं वो लोग को दे रही थी और वो लोग ने मुझे सरप्राइज दे किया। आपने तो देखा ही होगा कि वो लोग ऐसे दरवाजे के सामने खड़े थे फट करके मेरे मुंह पे। व्हाई? क्योंकि मैं जैसे ही एंटर हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दे कांट सी मी फ्रॉम इनसाइड, बट वो लोग मुझे देख रहे थे अंदर की खिड़की से, जो कि वो होता है ना 2-way window, इधर से कुछ नहीं दिखता है, वहां से दिखता है, सॉरी 1-way window, तो वो वाला विंडो वो लोग के घर में था, तो मेरा तो हो गया पचका। और लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं ऐसी पचके होने चाहिए तभी मज़ा आता है। तो सरप्राइज देने खुद जा रही थी, खुद सरप्राइज हो गई। कोई बात नहीं दोस्तों, तो आज मेरा पहला दिन अमरेली में बहुत ब्यूटीफुल था, मतलब दोपहर हुई है अभी, मैं आके थोड़ी थकी हूँ, चेंज वेंज कर लिया है मैंने, और अभी सोने का थोड़ा प्लानिंग है, वहाँ पर मुझे थोड़ा खिला भी दिया है। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।